हर रोज एक नई खबर के। जलंधर कैंट दीपनगर स्थित फ्यूजन रेस्टोरेंट में भारतीय जनता पार्टी मंडल 4 के वार्ड नंबर 11 में नगर निगम चुनाव को लेकर केंद्रीय विधानसभा हलके के चुनाव प्रभारी पूर्व विधायक कृष्ण देव भंडारी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर वार्ड की स्थिति का जायजा लिया। श्री भंडारी ने कार्यकर्ताओं को चुनावी के लिए कमर कसने के लिए कहा। इस दौरान भाजपा संगठन प्रभारी बालकृष्ण बाली ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें कई सुझाव दिए। बैठक में भाजपा पंजाब के सदस्य राजेंद्र शर्मा ने भी वार्ड की स्थिति से दोनों प्रभारियों को रूबरू करवाया। इस मौके पर पंजाब भाजपा महिला मोर्चा के सदस्य अंजू प्रभाकर, मंडल 4 के प्रधान श्यामलाल शर्मा, कैप्टन इकबाल सिंह, भूपिंद्र अनु, हरी राम, अंजू डेविड, नसीब बुग्गा, गुरबख सिंह बब्बू, जेके सिंह, पप्पू दादरा तथा पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 11 से बसंत मेहता की विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मंडल नंबर 4 कहते हुए अच्छे वार्ड नंबर 11 के जी मीटिंग राय पैलेस के रखी है। उस मीटिंग भंडारी जी भूतपूर्व CPS पंजाब साढ़े पहुँचे हुए हैं और इस मीटिंग दे विच उन्होंने नाल बैठे श्री बालकृष्ण बाली जी जिहड़े कि शहरी संगठन के प्रभारी पूरा पार्षद जिन्होंने बहुत तजुर्बा है इलेक्शन लड़न का और कई बार ये पार्षद रहे हैं। वैसे मेरे वीर बालकृष्ण बाली जी साड़ी भैन अंजू प्रभाकर जी आदरणीय कैप्टन इकबाल जी आदरणीय राजेंद्र जी उपस्थित साढ़े इस वार्ड तो और इस मंडल तो संगठन तो प्रभारी आदरणीय बाली जी भी आए हैं, मंडल अध्यक्ष श्याम शर्मा जी, पूरी टीम इन्हों की कारपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं और उस संबंध में भी पार्टी ने ड्यूटी लाई है कि मंडल नंबर 4 के जाके संगठन और जिहड़े लोगों ने चुनाव लड़न के इच्छुक है उन्होंने वार्तालाप करो, उन्होंने सुझाव लो। असी बड़े इन्होंने पॉजिटिव सुझाव मिले हैं और असं आस करते हैं कि आने वाले समय के कारपोरेशन के BJP का मेयर बनेगा और इस मंडल नंबर 4 के 6 वार्डों के साढ़े 6 के 6 साढ़े BJP के कैंडिडेट जितेंगे। वो असं हम जिन्ना अपना समा बचा वै मैं और बाली साहब साड़ी पूरी टीम साढ़े मंडल अध्यक्ष की देख रेख के असी काम करके पार्टी का असी आने वाला समा वधिया होएगा और पंजाब के लोग ऐसे चाह रहे हैं कि पंजाब के भाजपा की जिंदगी सरकार आए और शहर के मेयर भाजपा का बने। पूरी ईमानदारी हाई कमांड वालों कोई दिशा निर्देश कोई उन्होंने ये कहा सारे बंदे लामबंद करो और पार्टी संगठन को मजबूत करो, बूथ टीम पूरी तैयार हो। शर्मा जी साढ़े बहुत तजर्बेकार मंडल अध्यक्ष है, इन्होंने टीम सारी तैयार की है। असं मीटिंग उन्होंने शुरू करेंगे अलग अलग बारे में। पहले तो तुम्हारा शुभ नाम की? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा। सर अज किस चीज़ की मीटिंग अच्छ रखाई गई है जलंधर दीपनगर के? अज भारतीय जनता पार्टी
मंडल नंबर 4 और वार्ड नंबर जिहड़ा हैगा 11 इहदी बैठक अज हो रही है जिहड़ी कि कारपोरेशन दे इलैक्शन जिहड़े हैगे ने आ रहे उहदी तैयारी दे सिलसिले दे विच बैठक हैगी है। सर ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਊਗੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੇ 11 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੰਡਲ ਨੰਬਰ 4 ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠਕ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਜਿਹੜੇ MLA ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ अपना भंडारी जी कृष्ण देव भंडारी जी वो आ रहे तो हुन की आयोजन आप देख रहे हैं आज बैठक दी जड़ी आयोजन है किस इलेक्शन ने करके मीटिंग कराई जा रही है कि ओदा ही मीटिंग थोड़ी दे सिलसिले दे विच तैयारी दे सिलसिले दे विच रणनीति जड़ी हैगी है वो किद्दा बनानी है और किद्दा योजना जड़ी हैगी है वो वार्डबंदी हो रही है ओदे सिलसिले दे विच जड़ी प्राथमिक जड़ी तैयारी है ਉਸਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਪਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਚੰਦ ਅੱਜ ਸਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਾਈ ਕਰੀ ਹੈ ਦੀਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਮੰਡਲ ਨੰਬਰ 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ KD ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈਗੇ BJP ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ MC ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਦਿਆ ਗਿਆ BJP ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ।